धर्म के आधार पर वोटिंग हो जाएगी? थोड़ा तो हुई अनपढ़। बंगाल में अभी तक ऐसा नहीं होता था? नहीं होता है, लेकिन अभी बंगाल में, अभी एडुकेशन में बंगाल कौन पोजीशन में है? मिठुन दादा वो तो एक साल बंगाल में पहले जब यंग था तब नक्सल था, उसके बाद वो तृणमूल हुआ है, अभी वो बीजेपी हुआ है, उसको क्या बोलता है? दल बदल। और घर का बहू ऐसा होने से उसको क्या बोलता है? घर का बहू आज इसका कल उसका साथ, परसों उसका साथ, उसको क्या बोलता है? फिर बताएं। आम क्या जानता है, वही है नगर वधु, वही है। एडुकेशन करके जितना कमाएगा पॉलिटिक्स से तीन गुण चार गुण कमाएगा। बांग्लादेश से जो लोग इधर आया है, मैंने भाग के आया है आफ्टर पार्टीशन, मुस्लिम हिंदू वो लोग देगा बीजेपी को? कोई बोलता है कमीशन, कोई बोलता है स्पीड मनी। दिल्ली में बोलता है स्पीड मनी। मोदी जी तो एक क्लास जिसको बोलता 420। हमारा जो संविधान है ना, उसमें एक तो धारा है 420 420। मोदी वही है। सीरी 420 एक फिल्म आई थी, सीरी 400। दीदी कैसा काम करी है 10 साल? दीदी तो थोड़ा काम किया था, किंतु अब काट मानी था, बहुत लिया था। बांग्लादेश से जो हिंदू लोग आए यहाँ वो बीजेपी के साथ है, मुसलमान ममता के साथ है, लेफ्ट के साथ? आप किसके साथ? चुचरा विधानसभा क्षेत्र है, पीछे हुगली नदी है, गंगा नदी को ही बंगाल में हुगली बोलते हैं। यहाँ की सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, चुनाव लड़ रही हैं विधायक का, चुचरा से, हुगली की सांसद, चुचरा से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ जो विधायक हैं लगातार दो बार असीन मजुमदार और लेफ्ट फ्रंट से लड़ रहे हैं चुनाव, वामपंथी दल है फॉरवर्ड ब्लॉक, उससे प्रणव घोष। क्या माहौल है सर इधर? इधर तो कोई डेवलपमेंट तो हम लोग नहीं देखा था भाई। क्या डेवलपमेंट है? क्या बाजार में डेवलपमेंट नहीं है? और हमारा बैंक में जो इंटरेस्ट पता है उधर वो डेवलपमेंट नहीं है? कमती इंटरेस्ट में मिलता है, बाजार का माल बहुत जाता है, और क्या डेवलप्ड है? कुछ नहीं बोल रहे। नया स्कूल कोई नहीं हुआ, जो अगर जो स्कूल था, अगर जो कॉलेज था, वही था, है नया कुछ नहीं है, तो? है एक खाली नया चीज हुआ है लास्ट ईयर, अम्पन हुआ है, बहुत नुकसान, बहुत पेड़ गिर गया था, यही हुआ नया। चुनाव में क्या माहौल फिर आप? है माहौल क्या था? इधर कौन भारी, पलरा किसका भारी? वो तो क्या बोलेगा, कौन भारी? आप देखे हैं सीनियर सिटीजन पार्लियामेंट में, तो इधर लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में, ए असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी जीता था। लॉकेट चटर्जी वही चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, इसे में जीता है। अभी क्या होगा तो हम लोग नहीं बोल सकता है, इसलिए आपका लंबा अनुभव है, आप इतने दिनों से चुनाव राजनीति। अरे भाई इधर तो, इधर कौन वोट किधर जाएगा? इधर एक कॉलोनी बेल्ट है, वो लोग पुराना पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से आया है, वो लोग का एक तो चीज थिंग है जो हम लोग मुस्लिम डोमिनेटेड जो आदमी है उस लोग को वोट नहीं देगा, और मुस्लिम डोमिनेट आदमी तो वो लोग अबार बीजेपी को वोट नहीं देगा। जो बीजेपी बोलता है जे इधर हिंदुस्तान है, इसका नाम ही है हिंदुस्तान। पाकिस्तान कौन बोलता? और वो लोग बोलता है जे जो लोग हिंदुस्तान नहीं बनेगा वो लोग पाकिस्तान जाएगा। जिधर में मुस्लिम मेजोरिटी है वही है पाकिस्तान। अच्छा, जिधर मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ है वो पाकिस्तान है? पाकिस्तान है लोग, इसे पॉलिटिकल पार्टी लोग बोलता है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी लोग। अच्छा नहीं, तो यहाँ पर यानी कि आपको लग रहा है सर कि धर्म के आधार पर वोटिंग हो जाएगी? थोड़ा तो हुई,
थोड़ा तो ही अनपढ़ बंगाल में अभी तक ऐसा नहीं होता था, नहीं होता है, लेकिन अभी बंगाल में अभी एजुकेशन में बंगाल कौन पोजीशन में है? अभी क्या 20 साल आगे बंगाल का जो एजुकेशन में पोजीशन था आज है हुई वही तो कितना आईएएस है, कितना आईपीएस है, कितना आईआरएस है, कुछ नहीं है बंगाल का। सवाल बहुत बहुत कम पूछा जाता है जो आप पूछ रहे हैं। इस तरह के सवाल राजनीति के दौरान, चुनाव के दौरान नहीं पूछा जाता है कि कितने आईएएस हैं, कितने आईआरएस हैं। जैसे बिहार वाले ठोक के बोलते हैं कि हमारे बिहार से, बिहार एक दो आदमी है वो 30-30-60 आईएएस प्रोडक्शन करता है आईआरएस। हाँ, इधर में अगड़ी था, अगड़ी था, इसीलिए बंगाल तो कलकत्ता तो इंडिया का राजधानी था, कैपिटल था, उसलिए इधर का बंगाल का आदमी एग्जीक्यूट करता ब्रिटिश का पॉलिसी। उसने बाद जब दिल्ली गया उसने बाद ऑल इंडिया कंपटीशन आ गया। अभी तो बंगाल बोलता है इतना लिखा पढ़ा जाना, कितना लिखा पढ़ा जाना। अच्छा नहीं तो इसका अभी तो बंगाल को एजुकेशन में पीछा हट गया। तो इसके लिए कसूरवार किसको मानते हैं? है? कसूरवार कौन, दोषी कौन इसके लिए इधर के एजुकेशन सिस्टम, इधर का पॉलिटिकल पर्सन उसको देख कर होता है जे एजुकेशन करके जितना कमाएगा पॉलिटिक्स से 3-4 गुण कमाएगा। हाँ, वही सीखा है उसलिए तो, कोई पार्टी में चाहे कोई पार्टी में जो हाँ वो भी जो पार्टी होता है कौन। अच्छा, पार्टी दीदी कैसा काम करी है 10 साल? दीदी तो थोड़ा कम किया था किंतु अब काट मानी बहुत लिया था। इबार हमको कोई काटमानी देगा तो हम तो बहुत कम करेगा, कर जितना कम करेगा तितना काटमानी, जितना कम करेगा तितना काटमानी। काटमानी माने कमीशन है? कमीशन ही होता है, कोई बोलता कमीशन, कोई बोलता स्पीड मनी। दिल्ली में बोलता है स्पीड मनी। तो इस बार माहौल किनका बन रहा है, लॉकेट जी का कि मजुमदार जी का कि घोष जी का? पार्लियामेंट इलेक्शन में तो इधर लॉकेट जी आगे जीत गए थे, दिया था नहीं अभी बोला मैं। हाँ, दूसरा विधानसभा अभी क्या होगा आपके हिसाब से? एकदम परफेक्ट कोई बोलने सकेगा तो अब इधर में मुस्लिम वोट ममता का मिलेगा और लेफ्ट का मिलेगा, और इधर का पुराना जो बस्ती है वो लोग का वोट ममता का मिलेगा। हाँ, और कॉलोनी एंड अदर्स जो लोग बंगाली जो लोग बाहर जो लोग बांग्लादेश से इधर आया था वो लोग का वोट तो नहीं, वो लोग का वोट बीजेपी को मिलेगा। और कोई धर्म बांग्लादेश वाला बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देगा। किस बोले बांग्लादेश वाले बीजेपी को वोट देंगे? बांग्लादेश से जो लोग इधर आया है मैंने भाग के आया है आफ्टर पार्टीशन। हाँ, मुस्लिम हिंदू हाँ वो लोग देगा बीजेपी को? हाँ देगा नहीं, उसको तो घर और सब को छोड़ के चला रहा है। किस लिए? वो तो कम्युनल पार्टीशन हुआ था ना, वो तो मुस्लिम स्टेट हुआ था एक टाइम, और ये तो इंडिपेंडेंट था, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी बांग्लादेश से जो हिंदू लोग आए यहाँ वो बीजेपी के साथ है, मुसलमान ममता के साथ है, लेफ्ट के साथ। आप किसके साथ वोट कोई बोलता है? वो ठीक है, अब पसंद कौन, मोदी जी ज्यादा पसंद दिया थी? वो तो वोट को भी नहीं किसी बोलता है। आपको मोदी जी का काम कैसा लगता है ये भी बता दिया, बढ़िया हिंदी बोलते हैं मोदी जी तो एक क्लास जिसको बोलता 4-0। फर्स्ट क्लास, इसलिए 15 लाख रुपया अकाउंट में दे देगा। 4-0 बोले आप? एकदम 15 लाख रुपया अकाउंट में दे देगा। और उधार 2 करोड़ नौकरी होगा हर साल। अभी तो 10 करोड़ का नौकरी होने का टाइम हो गया, 6 साल में तो 12 करोड़ का तो बोले ना कि आप, इसलिए वो हमारा जो संविधान है ना उसमें एक तो धारा है 4-0 420 4-0 मोदी वही है सीरीज 420।
फिल्म आई थी श्री चार्ट से। फिल्म आया क्या वो फिल्म का उसका उसका नायक होना चाहिए मोदी जी का। क्या श्री चार्ट से इसका नायक मोदी जी का लीडर। तब तो सब आप बिना बताए सब कुछ बता दिए सर। क्या अभी अच्छा मिथुन दादा पर भी आप बता दीजिए। मिथुन दादा वो तो एक साल बंगाल में पहले जब जॉब यंग था तब नक्सल था, उसके बाद वो तृणमूल हुआ है, अभी वो बीजेपी हुआ है, उसको क्या बोलता है दल बदल। और घर का बहू ऐसा होने से उसको क्या बोलता है घर का बहू आज इसका कल उसका साथ पशु उसका साथ उसको क्या बोलता है फिर बताएं। आम क्या जानता है वही है नगर वधु वही है नगर वधु बोल रहे मिथुन जो बोलता है एक एक जगह में एक एक रकम बोलता है। तो माहौल समझ में आ रहा है आपके हिसाब से। क्या नाम बताए सर अपना? प्रदीप भट्टाचार्य। प्रदीप भट्टाचार्य। चलिए प्रदीप चचा बताए क्या क्या माहौल है, कैसा माहौल है, मोदी जी के लिए क्या बोले, ममता दी के लिए क्या बोले। तो इनकी बात से आप कितने सहमत हैं, क्या लगा इनकी बातों को जान के सुन के? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इनकी खास बात रही कि बहुत बारीकी से इन्होंने सब कुछ स्पष्ट किया कि किस तरह से यहाँ भी हिंदू वर्सेज मुस्लिम पूरी तरह तो नहीं होगा लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ भी वोटों का बंटवारा होगा। तो सफ़र जारी, और लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं अगले वीडियो में, आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।